नए साल के अवसर पर ढालपुर में कबड्डी व बास्केटबॉल की राष्ट्र प्रतियोगिता भी शुरू हो गई है। यह प्रतियोगिता 3 दिनों तक आयोजित की जाएगी और इस प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों की 1 दर्जन से अधिक टीमें भाग ले रही हैं। जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर के खेल मैदान में स्पोर्ट्स प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 3 दिवसीय राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारम्भ किया गया। इस प्रतियोगिता का शुभारम्भ शिक्षा विभाग के जिला परियोजना अधिकारी डॉक्टर चांद किशोर द्वारा किया गया। वहीं शनिवार को बास्केटबॉल की भी प्रतियोगिता शुरू हो गई। इसके साथ ही कबड्डी के खिलाड़ी भी ढालपुर पहुंचे और दोपहर बाद उनके बीच भी मैच शुरू किए जाएंगे। स्पोर्ट्स प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय महासचिव नमन भारद्वाज ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर इस तरह की खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन पूरे भारतवर्ष में किया जा रहा है। कुल्लू के ढालपुर में बास्केटबॉल व कबड्डी की प्रतियोगिता रखी गई है, जिसमें आने वाले दिनों में अन्य राज्यों की टीमें भी अधिक संख्या में भाग लेंगी। आज अमृत महोत्सव के तहत स्पोर्ट्स प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के तत्वाधान में स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है, जिसमें अनेकों प्रदेशों से टीम प्रतिभाग कर रही हैं। यहाँ बास्केटबॉल और कबड्डी खेल की प्रतियोगिताओं का आयोजन हो रहा है, जिसमें लगभग 10 से 12 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत खेल खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने से है। उसी संबंध में आज कुल्लू के ढालपुर मैदान में स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए कुल्लू से मनीष ठाकुर की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा HR@goyalmotor.com पर।